नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान के नए नवेले विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो। हालांकि पाकिस्तान का विदेश मंत्री कोई भी बने, उनकी जो विदेश नीति है वो ये है कि भारत की आलोचना, मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो, भारत की आलोचना करने से वो पीछे नहीं हटते हैं, ना वो चूकते हैं कोई ऐसा मौका। लगातार वो मौका भुनाने की कोशिश में रहते हैं। अब ऐसा क्या हो गया नया? दरअसल पाकिस्तान के जो नए नवेले विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो पहुंचते हैं यूएन के महासचिव एंटोनी गुटेरेस से मिलने के लिए। मुलाकात होती है, तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं और फिर बात उठ जाती है कश्मीर की। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। एंटोनियो गुटेरेस से बातचीत के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा है कि इस्लामाबाद भारत सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के साथ अपनी बैठक में इस बात को रखा कि पाकिस्तान भारत सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहता है, जो तब तक नहीं होगी जब तक कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार हल नहीं हो जाएगा। इस मीटिंग में बिलावल ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का भी जिक्र किया। 5 अगस्त 2019 को वो दिन था जब भारत ने 370 को खत्म किया। उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार बेचैन है और दुनिया के हर कोने में जाकर वो छाती पीटने का काम करता है, लेकिन उसे अब तक कोई सफलता मिल नहीं पाई है। क्योंकि भारत का देखिए स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत पहले दिन से ये बात कहता रहा है कि देखिए जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, वो इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहता है। इसके साथ ही भारत लगातार ये भी कहता रहा है कि पाकिस्तान को तत्काल प्रभाव से पीओके खाली करना चाहिए। हाल में भी भारत की तरफ से कश्मीर के मामले पर ये जब बयान जारी किए गए थे तो भारत की तरफ से कहा गया था कि वो पीओके जल्द से जल्द खाली कर दे। दरअसल परिसीमन जब जम्मू कश्मीर को लेकर भारत ने लागू किया, रिपोर्ट उसकी आई, उसके बाद एक निंदा प्रस्ताव जो है पाकिस्तान की संसद में आया, जिसके बाद भारत भड़का और उसने पाकिस्तान के इस कदम की निंदा की और कहा कि जम्मू कश्मीर के मामलों में वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे, पीओके वो खाली कर दे। भारत लगातार पाकिस्तान से ये बात कहता रहा है कि वो आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में इस्लामाबाद के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है। साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को वास्तविकता स्वीकार करके भारत विरोधी प्रचार को रोक देना चाहिए। अब बिलावल भुट्टो हो या पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो या पूर्व प्रधानमंत्री हो, कश्मीर पर जिसको जितना रोना है, छाती पीटना है, वो पीट सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन इनके तमाम कोशिश जो है वो हमेशा विफल होते रहे हैं, आगे भी विफल ही होंगे, इस बात का हम सभी को यकीन है। क्योंकि जम्मू कश्मीर, पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जिसमें पीओके भी शामिल है, वो भारत का आंतरिक हिस्सा है और उसमें भारत को किसी की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।